बाप रोज रोज अमृत वेले स्वयं आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय जब बाप आके पढ़ाते हैं उस समय बाप के सामने सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई भी विघ्न नहीं डालती है। तुम बच्चे तो मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता हूँ। माया तुमको विघ्न डालती है। कोई कोई बाबा कहते हैं, कोई कोई बच्चे लिखते हैं बाबा हम बच्चों को नहीं भुलाना, परंतु बाबा कहते हैं मैं तो कभी किसको भूलता ही नहीं। मुझे क्यों? क्योंकि मुझे तो सभी को वापस ले जाना है। मैं तो देखो सभी बच्चों को रोज याद प्यार देता रहता हूँ। रोज बच्चों को अविनाशी खजाना भी भेज देता हूँ। सबको रोज रोज ललकार करता रहता हूँ कि बच्चे बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं फिर जवाब देते हैं बच्चे, कहते हैं बाबा कर्म बंधन है। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा है ना, ये तो तुम्हारा काम है उसको चुकतू करना, इसमें बाबा का क्या काम है। बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारा कर्म बंधन करता जाएगा, तो ये पुरुषार्थ तो तुम्हें करना है। फिर जब कर्म बंधन करता जाएगा फिर तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होंगे, आधा कल्प तक तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर ऊंच पद पाने के लिए, ऐसा ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी तो करनी है। मम्मा बाबा देखो कैसे अच्छी रीत बैठ करके तुम बच्चों को बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। अभी तुम बच्चों से कोई पूछता है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कार्ड हाथ में दे दो। छोटे छोटे बताते हैं ना, जब जैसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो कार्ड बनाते हैं, उससे ये सब समझ जाएंगे तो ये किस धंधे में लगे हुए हैं, ये तो बड़े व्यापारी है। हरे की बाबा कहते हैं फिर सर्विस करने वालों को जो भी मिलते हैं बात करते हैं तो हरे की रग भी देखनी पड़ती है। सबसे अच्छा समझाना है इस चक्र पर, स्वदर्शन चक्र पर। कैसा भी आदमी हो चक्कर को देख करके समझ जाएंगे बरोबर। अभी तो ये कलयुग है और सत्युग आने वाला है, जब चक्कर पर अंत पर समझाएंगे। क्रिश्चन को भी ये समझा सकते हो कि अब ये हेल है और हेवन स्थापन होने वाला है, वो तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करेगा। हेवन कौन लाएगा? जरूर हेवनली गॉड फादर ही स्थापन करेगा। परंतु मनुष्यों की अब बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी समझते ही नहीं है, कहते भी रहते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझना चाहिए ना, जरूर अभी हम नरक में है तब तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अभी है कलयुग,
पुनर्जन्म भी तो जरूर कलयुग में ही लेते रहेंगे ना। बाबा कहते हैं अब स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं बच्चे जाओ शमशान में जाकर के ये सब समझाओ। परंतु बच्चे थोड़ी सर्विस करते हैं तो झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए उनको, अभी तो है कलयुग। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेने चाहते हो तो आकर के इन बातों को समझो। हम भी देखो अभी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं, स्वर्ग में चलना है, वहां तुमको विख नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। यह बाबा सर्विस की युक्तियां बच्चों को बताते रहते हैं। और बाबा बता रहे हैं देखो नेपाल में विजयाष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं, तुमको भी सभी को जाकर समझाना है। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखाना है। नौकरों को, मिस्त्रियों को, सबको समझाना है। देखो मौत सामने खड़ा है, अब तो बाप को याद करो तो तुम्हें बेहद का वर्षा मिल जाएगा। बाप तो अभी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। कौन सी मनोकामना? चाहते हैं सभी स्वर्ग में जाएं। तो बाप तो अभी सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं, क्योंकि बाप तो है ही कल्याणकारी। तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है, अर्थात ऐसे सेवा करके सबको संदेश दे करके उनको तैयार करना है। बाबा कहते हैं पर शाहूकार जरा मुश्किल से तैयार होते हैं। सन्यासी भी भले अभी नामी ग्रामी है, परंतु वे भी अंत में आएंगे। अभी तो बहुत करके गरीब साधारण ही आकर के ज्ञान लेते हैं। बाप भी तो साधारण तन में आता है ना, गरीब में नहीं साधारण में आता है। अगर ये भी गरीब होता तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता। गरीब इतनो सब की संभाल कैसे करे? तो युक्ति देखो बाप ने, जिसने स्थापना की, जिसने ब्रह्मा बाबा को जगह अपना रथ बनाया, तो देखो बाप ने कैसी युक्ति रखी रची। साधारणी हो जो बलि भी चरे तो इतने सब की परवरिश भी तो होती रहे। उस समय भी शुरू में बाबा ने जो यज्ञ रचा, एक तरफ ओम निवास बच्चों के लिए ओम निवास बनाया, जहाँ उन सब बच्चों को फ्री रखा, सब कुछ वहाँ, और दूसरे तरफ जो पहले तो सत्संग हुआ, लेकिन जो हमारा रहने का सारा सब कट्ठे हंगामे के बाद सब कट्ठे कराची में आ गए, और वहाँ जो यज्ञ रचा जिसमें 350-450 लोग कट्ठे ही रहते थे। तो बाबा कहते हैं
अगर गरीब होता तो ये सारा खर्चा कौन करता, इसलिए साधारण रथ को चुना है। साधारण ही हो जो बलि भी चरे और इतने सब की भी परवरिश होती रहे। इनके साथ, बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ और भी धीरे धीरे बहुत बलि चर करके वारिस बन गए। हिस्ट्रिया तो सुन ली है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर से सारी मुरली का धारणा युक्त सार, जो फिर सारा दिन सहज रीति से हमारे बुद्धि में याद आता रहे। बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगा रहना है। दूसरे पॉइंट, श्रीमत पर चलने में कोई भी गफलत व बहाना नहीं करना है। ये बात पक्की पक्की हम सबको याद रखनी चाहिए। श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधन से छूटने के लिए याद कि सदा याद की यात्रा पर ही रहना है, तभी कर्म बंधन से छूटेंगे। अच्छा, अभी रोज के नियम अनुसार वरदान। कितने वरदान? शुरू से गिनती करे, जब से वरदान शुरू हुए गिनती करे कितने हो गए। आज का वरदान प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में ले आती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाकर बाप के समीप लाती है। याद किया? हाँ, सुना? ऐसे ऐसे बाबा के शब्द महावाक्य याद रखना चाहिए। प्यूरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्यूरिटी के तरफ आकर्षित करती है। प्यूरिटी की रॉयल्टी, धर्मराजपुरी की रॉयल्टी से जो दंड मिलता है धर्मराजपुरी में, तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी रॉयल्टी धर्मराजपुरी के रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार, प्यूरिटी के पर्सनालिटी की रॉयल्टी अनुसार रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इसी पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। आज का स्लोगन, हर एक के विशेषता को देखने का चश्मा
बाबा कहते हैं, बाबा ने कल की मुरली में था ना, हर एक में विशेषता है, और बाबा ने कैसे एक दो विशेषता का वर्णन किया, कल अव्यक्त मुरली थी तो आज वही बात हम याद करें। बाबा कहते हैं हर एक की विशेषता को देखने का अगर चश्मा सदा लगा रहे तो स्वयं भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। इसलिए सदा हमको हर एक की विशेषता देखते रहना जरूरी है।